हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और जर्नी में। तो आज की जर्नी होने वाली है वंदे भारत की। हम लोग जा रहे हैं कानपुर से दिल्ली, वो भी वंदे भारत से। वंदे भारत है इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो कि फुल्ली एयर कंडीशन्ड है। बट सबसे पहले जस्ट चेक आउट द ट्रेन, क्या मस्त सुंदर सी ट्रेन है हमारी। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत लॉन्च की थी, जिसकी लिस्ट आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अगर आप इन्हीं किसी शहर में से एक से हो तो फटाफट बुक करो यार, मस्त एक्सपीरियंस है इसका भी। अभी फिलहाल तो वंदे भारत की चेयर कार ही है इंडिया में, बट जल्दी ही इंडियन रेलवे स्लीपिंग बर्थ भी लॉन्च करने वाली है, जिसका लुक कुछ ऐसा होगा। तो हमारी ट्रेन थी सुबह 9:30 बजे की और ये पहुंची 2 बजे, कुछ 15 मिनट्स लेट चल रही थी बस। इस ट्रेन के बाद ही हमारी ट्रेन आएगी। तो आपके सामने कानपुर सेंट्रल का न्यू स्टेशन का मिनिएचर आप देख सकते हो, जो कि बहुत ही सही दिख रहा है। काफी बड़ी स्पेस में बन रहा है ये। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ न्यू स्टेशन देखने के लिए एंड आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ हम अपने कोच की तरफ जाते हुए, C14 कोच नंबर है हमारा। और ये देखो बस आ ही गई ट्रेन और कितनी धांसू लग रही है। और अंकल ने थोड़ा सा हॉर्न भी बजा दिया मेरे लिए, बहुत बहुत प्यारी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को अंदर से कैसी दिखती है ये दिखाने के लिए। तो बिना देरी किए चलते हैं। काफी लोगों का क्वेश्चन होने वाला है कि ट्रेन टिकट का प्राइस क्या है और मैंने कहाँ से बुक किया है। तो मैंने IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक किया है, आप लोग भी वहीं से कर सकते हो। बहुत ही कम लोग चढ़े कानपुर से, बिकॉज ये ट्रेन वाराणसी से चलती है, इसीलिए आपको काफी लोग बैठे हुए दिख रहे हैं ऑलरेडी। हमारा कोच कुछ ऐसा दिख रहा है, ग्रे एंड ब्लू कलर की सीट्स है, काफी क्लीन है। और यहाँ आप आपका लगेज रख सकते हो। ये जो कोच है वो नॉर्मल शेयर कार का है, इसी में आपको एग्जीक्यूटिव क्लास भी मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली हमें टिकट्स नहीं मिले थे उसके, तो आपको भी टिकट्स बुक करना है तो पहले से करना। अब बात करते हैं सीट्स पर आपको क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ फुट रेस्ट है, लेग स्पेस काफी अच्छी है, कम्फर्टेबली ट्रेवल कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव में और भी अच्छा होता है। फूड ट्रे आपको मिलेगी, जिसमें आगे चल के हम अपना मील एंजॉय करेंगे। बस बंद नहीं हुई वापस फूड ट्रे। बॉटल रखने के लिए भी आपको जगह मिलती है, बैठते ही उन्होंने बॉटल दे दी हमें, छोटी बॉटल थी ये। और हमारी ट्रेन चल चुकी है, 15 मिनट्स लेट है, देखते हैं बीच में कवर करती है या नहीं। डोर जो है वो ऑटोमेटिक है, बहुत ही बढ़िया। इमरजेंसी के लिए हैमर भी दिया हुआ है। विंडोज में आपको ये कर्टन्स भी मिलेंगे, अगर धूप आ रही है तो आप लगा सकते हो। ठीक हाफ एन आवर के बाद हमें मिली इंस्टेंट टी एंड ओट्स के बिस्किट। थोड़ी ही देर में गर्म पानी आ गया और मैंने बनाई अपनी चाय। इस इंस्टेंट टी में सब कुछ था, कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर किए हमने अपने टी बिस्किट्स एंजॉय। सच बताऊं तो हम ब्रेकफास्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज सुबह की ट्रेन थी बट वाराणसी से चली थी, इसीलिए हमें ब्रेकफास्ट नहीं दिया। ऑलरेडी पहले ही लोगों ने कर लिया था, मैं तो ईगरली वेट कर रही थी ब्रेकफास्ट के लिए, बिकॉज ट्रेन के कटलेट बहुत टेस्टी होते हैं। यहाँ गज्जू ने एक्स्ट्रा बिस्किट्स मांगे एंड द स्टाफ वॉज सो स्वीट, उन्होंने एक और पैकेट भी दे दिया। बहुत ही हेल्दी सा था बिस्किट, पर चाय के साथ अच्छा सा लग रहा था। थोड़ी ही देर में काफी स्पीड पकड़ ली थी ट्रेन ने। अब आपको वंदे भारत का वॉशरूम दिखाती हूँ। कुछ ऐसा है बाथरूम, ये सिंक है जो कि काफी क्लीन है, मिरर साइज भी काफी अच्छा है, टॉयलेट पेपर, हैंड वॉश सब कुछ दिया हुआ है, बट टॉयलेट सीट गंदी थी। और अब देखते हैं ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो 130 की एवरेज स्पीड मेंटेन की हुई है ट्रेन ने, मैक्सिमम स्पीड 136 किलोमीटर पर आर थी। और थोड़ी ही देर बाद मैक्सिमम स्पीड हो गई 164 किलोमीटर पर आर। फिर 11:50 तक आ गया हमारा लंच, थोड़ा जल्दी था बट ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो बहुत भूख लग रही थी। सो लेट्स सी क्या क्या मिला है हमें। तो सबसे पहले मेरी नजर गई डेजर्ट पर, जिसमें था ये रागी लड्डू जो कि आज के पहले कभी नहीं खाया है मैंने। फिर था दही जो कि मैं नहीं खाती, वेट पाइप्स, खट्टा मीठा सा अचार और इसमें पराठे होंगे जो कि येलो कलर के थे, तो कुछ ऐसी लग रही है मेरी प्लेट। इसमें थे दाल चावल, आलू गाजर की सब्जी, पनीर की सब्जी एंड 3 पराठे। मैंने स्टार्ट किया खाना और मुझे सो लगा, बट बहुत बेटर था उस खाने से जो हम बचपन में ट्रेन में खाना खाया करते थे। दाल तो बहुत सही लगी मुझे, ओवरऑल अच्छा था खाना। आपको हाथ धोने की भी जरूरत नहीं है, वेट वाइप्स ने सब क्लीन कर दिया था। फिर थी डेजर्ट की बारी, बहुत टेस्टी था ये लड्डू, बट मैंने थोड़ा सा ही खाया और 4-5 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। गाड़ी गाजियाबाद स्टेशन पर थोड़ी स्लो हुई थी, बट थोड़ी देर बाद फिर से स्पीड पकड़ ली ट्रेन ने और कुछ ही देर में हम आ गए दिल्ली स्टेशन।
बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था एंड काफी कंफर्टेबल जर्नी थी हमारी। ट्रेन को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। कार से ट्रैवल करने से इससे 2 to 3 times डीजल आपका लग जाता है, तो उसके कंपैरिजन में काफी इकोनॉमिकल है। स्टाफ काफी हेल्पिंग नेचर का है। सजेशंस मेरी तरफ से ये रहेगा कि खाना और बेटर हो सकता है, बट ओवरऑल आई विल डेफिनेटली रिकमेंड ट्रैवलिंग विद वंदे भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।